हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मेरा नाम है कुशल बिहारी दास, हम मुंबई से आए हैं, इस्कॉन से। कुशल बिहारी दास, मुंबई। बेटिया, बेटे नाम बताओ, आपका नाम बताओ। इसका नाम है पार्थिवी। पार्थिवी, पार्थिवी माँ जानकी जी के नाम है। आपके नाम? माधवी कुमारी देवी। माधवी कुमारी देवी, अच्छा। कैसा कुछ अनुभूति रहा, आपने दर्शन किए महाप्रभु जी? जी, हमने दर्शन किए, बहुत ही आनंद आया। हमने देखा, हम 2-3 घंटे से लाइन में थे। अच्छा। हमें लगा अभी का दर्शन होएंगे नहीं होएंगे, पर भगवान की कृपा से बहुत सुंदर दर्शन हो गए। भगवान के एकदम समोर सामने दर्शन हुए, आनंद आया। जगन्नाथ जी को दर्शन देख के ही हृदय में इतना आनंद भर जाता है। हमारे घर पे भी छोटे जगन्नाथ है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के डीटीज है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे इस्कॉन के यहाँ से हम लोग, इस्कॉन की तरफ से आए हैं। इस्कॉन चौपाटी का यात्रा है मुंबई में, वहाँ पे करीबन 11,000 से 12,000 भक्त आए हैं मुंबई से और पूरे जगत भर से, सब दुनिया से आए हैं। और हमारा पंडाल है इधर, हमारे गुरु राधानाथ महाराज की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप हरे कृष्ण तो दीक्षा ले चुके हैं, महामंत्र है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो आपने जो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आज आए हैं, ये फर्स्ट टाइम आए, इससे पहले आए? हम पूरी यात्रा में आते हैं। मेरे पापा बहुत टाइम से 1997-98 से हर पूरी यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा आते हैं, तो उनके साथ भी हम हर साल, तो मैं नहीं आ पाती, पर जब भी मौका मिले हम आते हैं और बहुत आनंद आता है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में और दर्शन के लिए भी जब भी आते हैं। अच्छा, वैसे आप क्या वही इस्कॉन में रहते हैं या प्रोफेशनली अपना कुछ काम करते हैं? नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट हूँ, और मेरी वाइफ फैशन डिजाइनर है। तो हमारे इस्कॉन मैम फैशन डिजाइनर? हाँ जी, मैं फैशन डिजाइनर। और आप डेंटल डॉक्टर हैं? ABCDEF डॉक्टर, फैशन डिजाइनर, बीच में ई, इसका नाम क्या है? पार्थिवी। पार्थिवी पी, बड़ा अच्छा नाम है इसका, पार्थिवी। अच्छा, तो आप जैसे मतलब अपना क्या मेडिकल क्लिनिक है या कैसे आपके जरा? जी, मेरा खुद डेंटल क्लिनिक है। हम भी भगवान इस्कॉन में, ऐसा है, लोगों को लगता है कि इस्कॉन में आप जाओगे तो मंदिर में आप रह जाओगे, ऐसा नहीं है। हम इस्कॉन में बहुत गृहस्थ लोग हैं, जो शादीशुदा है, अपने व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, पर भक्ति भी करते हैं। 16 माला का जप करते हैं सुबह उठ के हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में, और भगवान की अर्च विग्रह की, जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं 3 टाइम, और भगवान जगन्नाथ जी का पूरा फेस्टिवल जैसे रथ यात्रा मनाते हैं। तो हमारे पूरे प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, हर देश में, हर सिटी में रथ यात्रा का महोत्सव। अच्छा माँ, आप कितने माला जपते हैं? मैं 16 माला जपती हूँ, कम से कम। कम से कम 16। अच्छा, तो सर आप कब से ही इस्कॉन में जाएंगे? मैं 2008 से इस्कॉन में आया हूँ, मेरे जो भ्रा 2008 यानी कि 15 साल। बचपन से आप? बचपन से? हाँ, 1996-97 में पापा आ गए थे, तो उनके साथ फिर हम भी करते थे जगन्नाथ जी का, भगवान श्री कृष्ण का, और माला करते थे, तो अच्छा लगता था। तभी से गुरु महाराज हमको यात्रा में लेके आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ी अच्छी बात है, गुरु कृपा ऐसे ही होता है। जगन्नाथ जी को कुछ मांगो या भगवान से मांगो तो वो क्या करते हैं, कुछ माल दे देते हैं। हम डॉक्टर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम कुछ माल मिल जाएगा। बस इसके एंडिंग में आप कैसे हो अगर ये पूछोगे तो एंडिंग में कहेंगे खुशी में है, यही है। तो लेकिन गुरु क्या करते हैं, वो एक माला बढ़ा देते हैं। भगवान क्या देते हैं, माल देते हैं, लेकिन गुरु माला दे देते हैं कि ये लो 16 माला जप करो कंपल्सरी, देन एक्स्ट्रा जो आपकी मर्जी। तो उसमें क्या होता है, जो माला जपते हैं तो इसमें शिष्य या भक्त वो क्या हो जाता है, मालामाल हो जाता है। बोल हरि बोल, जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर बोले आप, तो सही सही जो माल है, सही जो सबसे बड़ा जो धन है वो हरि नाम का धन है। वही चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया है कि जो हरि नाम है वही इसमें सब कुछ है। आपको दूसरे कोई भी हीरे ज्वारा दुनिया के कोई मोल नहीं है, जगन्नाथ जी की भक्ति और हरि नाम, उसमें सब कुछ आ गया आपका। आपसे एक अनुभूति लेना चाहूँगा, शायद मेरे ख्याल से मैं माने के बाद ही आपको कन्वर्ट करा दी, ये शायद मैं जो कुछ सोच रहा हूँ, ऐसा हो सके आम आई रॉन्ग या राइट आई डोंट नो, लेकिन आप एक परिवार जो भगवान को पूर्ण समर्पित हो, ये सबसे बड़ी अच्छी निदर्शन है। तो इससे पहले कि अपने कुछ जगन्नाथ जी को या लॉर्ड कृष्णा जी को, वही जो ही राम हो सोई जगदीशा,
तो इसमें कुछ महसूस किए हैं आपके, ऐसे कुछ अनुभूति है? जी भक्ति में, इस्कॉन में आने से पहले, भक्ति में आने से पहले पता नहीं था जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि क्या है जगन्नाथपुरी का, रथ यात्रा के बारे में पता नहीं था। इस्कॉन में आने के बाद प्रभुपाद की कृपा से हमको पता चला कि जगन्नाथ जी कौन है। हर घर घर में जगन्नाथ जी आने लगे, डीटीज़ का दर्शन हुआ, पता चला जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कौन है। इसके पहले भक्ति में आने से बाद कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, हम अपने संसार में ही व्यस्त थे जीवन में। अपने संसार में व्यस्त थे। अच्छा माँ, अपने कुछ, चाहे लॉर्ड कृष्णा हो या जगन्नाथ हो, जैसे भी हो, अपने कुछ महसूस किए हैं? हाँ, मतलब बहुत भगवान इतनी कृपा करते हैं, हर कदम पे साथ देते हैं, तो महसूस तो बहुत, हाँ हाँ, खड़े हैं। और मतलब है ना, एक शुद्ध नाम, हमारे गुरु महाराज यही कहते हैं, प्रभुपाद जी यही बताते कि भगवान को पाने के लिए बस एक एक बार जो हृदय से आप शुद्ध नाम लो तो आप भगवान को पा सकते हो। और भगवान एक बार आप इसमें चले जाते हो ना, बहुत अनुभव आते हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव आते हैं। आपके डिजाइनिंग एक सेपरेट थिंग है, डिजाइनिंग में आप हो और भगवान के धाम में जाने में वो एक सेपरेट थिंग हो गया कि उसमें कल्चरल आ जाता है, इसमें क्या होता है ना, उससे मॉडर्न टाइप की आ जाती है, तो इसके बीच में कैसे आप मतलब भगवान जी को महसूस किए? तो एक्चुअली हमारे डिज़ाइनिंग, हम भगवान, हम जो भी करते हैं ना, हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो हमारे मंदिर है इस्कॉन के, तो उसमें भगवान के ये जो वेश बनते हैं उसमें हम डिज़ाइनिंग के लिए सेवा कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, पर थोड़ा बहुत जो भी कर पाई हूँ, तो उसमें भी बहुत एक आनंद आता है। तो हर इसको, जैसे आप हर चीज़ को कैसे स्पिरिचुलाइज करना है, आप ये देख सकते हैं इस्कॉन में। हमको यही बताया जाता है कि हर चीज़ में भगवान को देखो। बढ़िया चीज़ आपने बताया मैम, आप लोग भी ये सुन लीजिए, अगर जो काज प्रभु समर्पित है, भगवान के उद्देश्य में है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जैसे डिजाइनिंग कर रहे हैं तो वो भगवान के लिए, भगवान भी जो डिजाइन के पहनते हैं, ये तो कहीं मतलब जैसे उनकी टाइया हो गया, मतलब बहुत चीज़ है, तो उसको डिजाइन में बना रखें, ये क्या अच्छी बात है। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जरा कृपा करेंगे तो ये थोड़ा सारे जगन्नाथ प्रेमी या जितने जगन्नाथ प्रेमी देख रहे हैं सारे जगत में, तो उनको थोड़ा आनंद आएगा। आप डॉक्टर की ट्रीटमेंट में ऐसे कभी आपने महसूस किए हैं जगन्नाथ जी के, या कोई भी हो, लॉर्ड कृष्णा हो, या जो वास्तविक ये काम इतने डिफिकल्ट था, ऐसे कोई दांत का पेशेंट आया हुआ है, चाहे वो अफ्रेटिकल हो या एवरीथिंग, तो रियली इसमें गॉड की हेल्प मुझे लेना पड़ा और वही इससे मुझे इसमें से उधार, ऐसे कुछ फेस किए हैं? ऐसे बहुत बार फेस किया है। मैं एक्चुअली सर्जन हूँ, सिर्फ डेंटिस्ट नहीं हूँ, मैं सर्जरी करता हूँ बड़ी बड़ी, तो उसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, तो उसमें ऐसा होता है कि कभी आप फंस गए हैं, एक चीज़ आपको नहीं समझ रहा है कि क्या करें इसके आगे, तो आप फिर आग बंद करके भगवान के प्रार्थना करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, गुरु को याद करेंगे, जगन्नाथ जी को याद करेंगे, फिर आपकी जो भी समस्या में आप उलझे हुए हो वो तुरंत सुलझ जाती है। ये मेरा वास्तविक अनुभव है। और ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि एक्चुअली हम लोग जब भी कुछ सर्जरी करते हैं, हमारे इस्कॉन में हमारा एक मुंबई में अस्पताल है, भक्ति वेदांत अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल, उसमें हमारा नरसिंह देव का फोटो लगा है अस्पताल ऑपरेशन थिएटर के अंदर। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी सर्जरी करने से पहले नरसिंह आरती गाते हैं, भगवान को याद करते हैं और फिर ही सर्जरी करते हैं, ताकि हम सोचते हैं कि हम कर रहे, हम डूअर नहीं, हम सर्जन नहीं है, भगवान सही सर्जन, सबसे बड़े सर्जन तो जगन्नाथ जी, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, हम एक निमित्त मात्र है। तो हम भगवान को प्रार्थना करके फिर जो प्रोसीजर करते हैं तो उसमें 100% सक्सेस मिलता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय भी दिया और आपने इतना मूल्यवान समय दिए, और हमारे जितने जगन्नाथ प्रेमी हैं आपके मुंह से एक मैसेज चाहते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जगन्नाथ टीवी देखते रहिए, इंस्पायर होते रहिए, और भगवान जगन्नाथ जी के आप पे आप आइए, दर्शन लीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए, और एक हरे कृष्णा महामंत्र जरूर बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।